हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सिलोट में हम लोग सीसी वाला शॉट कैसे करते हैं। मैंने एक शॉट लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये शॉट है। ओके, इसमें रिमूव क्या करना है, इसमें रिमूव करना है ये वायर। सपोज ये वायर है, मुझे ये रिमूव करना है। ओके, तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सिलोट कर जितनी वीडियो है सारे वीडियो बना दूंगा जो आप लोग को हेल्प हो। बेसिक्स बेसिक जो होते हैं वीडियो सारे मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ और एक फोर्थ नंबर वीडियो चल रहा है मेरा। तो इस वीडियो में टॉपिक जो है सीसी शॉट कैसे करते हैं इन सिलोट। गाइस इतना होने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप शॉट एक बार देख लो फिर से, यहाँ पे शॉट ये वाला है। ओके, आप गाइस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर नए आए हो तो आप चैनल में आना, यहाँ पे सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन बटन। तो हम लोग जाते हैं सिलोट पे। गाइस हम लोग सिलोट सॉफ्टवेयर पे आने के बाद जो भी सेटिंग्स थे, बेसिक सेटिंग मैंने कर चुका हूँ पहले ही। तो अगर आपको नहीं पता है, कंफ्यूज हो है, तो आप जाकर देख सकते हो कि कैसे करते हैं। मेरा ऑलरेडी बेसिक वीडियो अपलोड है। ओके, तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, इसको आपको रिमूव करना है। सबसे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक वीडियो में, अगर आपको कुछ पार्ट नहीं दिखता है प्रॉपरली तो आपको सीसी कर सकते हो। यहाँ पे सीसी का ऑप्शन है, सीसी इंक्रीज करो और सीसी करके ही काम करना। ऐसा नहीं कि यार ये शॉट डार्कनेस है तो आप ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना। कभी भी शॉट स्टार्ट करने से पहले आप सीसी इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आपको दिखना चाहिए, मतलब आपको शॉट दिखना चाहिए अच्छे से कि कहाँ पे क्या पार्ट है, क्या रिमूव करना है। प्रॉपरली आपको जाना चाहिए, आपको रिमूव करना है ये पार्ट, पता आपको है, मैंने आपको पहले बताया था ये पार्ट हमें रिमूव करना है। तो अब इसको प्ले करते हैं हम लोग। प्ले करने के बाद गाइस थोड़ा सा सीसी बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगे वैसा सीसी करते हैं हम लोग। मुझे ये सीसी सही लगता है तो मैं ये सीसी में काम करूंगा। ओके, तो अभी आप देखो मैं प्ले करता हूँ। तो गाइस ज़्यादा फ्रेम नहीं लिया हूँ, बहुत कम फ्रेम लिया हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिया हूँ मैं। बेसिक सीख जाओगे तो खुद ब खुद एडवांस खुद सीख जाओगे। गाइस इतना होने के बाद देखो अभी क्या है, पेंट करने से पहले सबसे पहले होता है क्लिंप बनवाना। जब भी आप पेंट स्टार्ट करो तो सबसे पहले प्रॉपर एक फ्रेम सेलेक्ट करो जहाँ पे आप क्लिंप बना सकते हो। तो ये प्लानिंग करना पड़ता है, अगर आपको पेंट सीखना है तो अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा कि शॉट कहाँ पे प्लेट बनाओ, शार्पेन प्लेट है कि नहीं, वो सब आपको देखना पड़ता है तभी आप कर पाओगे। अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे शॉट कि कहाँ पर बनाना है मुझे प्लेट और पेंट करना है उसे 9 फ्रेम। 9 फ्रेम मैंने लिया है। गाइस हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस फ्रेम में प्लेट बनाना है और उसके बाद पेंट करना है। तो गाइस सबसे पहले ये जो शॉट है ना, ये हम लोग न्यूक के अंदर भी शॉट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। देखो अब दिखाता हूँ पेंट मतलब सिलोट में कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फ्रेम सेलेक्ट करूँगा अपने हिसाब से। तो मैं देखो मैंने लास्ट फ्रेम सेलेक्ट किया, मुझे ना ये प्लेट सही लग रहा है, यहाँ पे मैं प्लेट बनाता हूँ ना तो मैं सीसी करते आ सकता हूँ इसको अच्छे से। यहाँ भी बना सकता हूँ प्लेट लास्ट फ्रेम पे भी और यहाँ ही बना सकता हूँ मैं नंबर 7 पे भी। तो आप भी बना सकते हो। और इसमें देखो सोर्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी सोर्स नहीं है, मतलब ये पूरा स्टैटिक है, मतलब ये जो वायर है स्टैटिक है। तो कुछ नहीं, कोई भी अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना प्लेट। ओके, उसके बाद उसको पेंट मारते चल जाना है आपको है। तो मैं लास्ट फ्रेम में प्लेट बनाता हूँ। गाइस मैं लास्ट फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ, मैं लास्ट फ्रेम में प्लेट बना के उसको पेंट कंटिन्यू करूंगा। तो मैं प्लेट बना लेता हूँ। गाइस मैंने प्लेट क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैंने प्लेट क्रिएट करते हुए रिकॉर्डिंग दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये जो मेथड है आप खुद से कर लेना अपने हिसाब से, लुक फील देखने में अच्छा लगे प्लेट वैसा क्रिएट कर लेना। मैंने वैसा ही क्रिएट किया। ओके, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने प्लेट क्रिएट कर लिया, तो आप भी क्रिएट कर लेना। अब टॉपिक जो है सीसी है शॉट यहाँ पे, तो कैसे करना है। देखो फोटोशॉप में क्या होता है कि आप सपोज एग्जांपल ले लो, आप ये फ्रेम प्लेट बना हुआ, आप नेक्स्ट फ्रेम पेंट करते हो तो उसको एक सिंगल लेयर पे करके सीसी कर सकते हो वहाँ पे, मतलब पेंट करने के बाद। पर गाइस यहाँ पे वो अलग मेथड है। यहाँ पे कैसा है गाइस, आपको ना अगर आपने यहाँ प्लेट क्रिएट किया है इसको आपको नेक्स्ट फ्रेम पेंट करना है ना, तो आपको सीसी पेंट करने से पहले करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्लेट क्रिएट किया, अच्छा फ्रेम सिलेक्ट किया, शार्पेन देख के अपने अकॉर्डिंग किया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम जाता हूँ, जेड प्रेस किया, सीसी कम हो गया, लाइट था सीसी कम हो गया। अब कैसा गाइस, मैं यहाँ पे कैप्सुल जो फर्स्ट ऑप्शन ये ऑप्शन यूज करूँगा। सबसे पहले मैं कोई भी ट्रैक नहीं ले रहा हूँ, कोई भी पेंट करने के लिए ट्रैक यूज नहीं कर रहा हूँ, विदाउट ट्रैक दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। बस मैं इसको एक बार, मेरा प्लेट का फ्रेम नंबर 9 है, यहाँ पे हम लोग 9 कर लेते हैं एक बार और इसको एक बार अच्छे से मैच कर लेते हैं। थोड़ा सा पिक्सल ऑफ कर लेते हैं एक बार। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा यहाँ मैच कर लिए इस लाइन को, ठीक है, लगता मैच नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो इतना मैच होने के बाद गाइस अभी इसको पेंट मत करना, इसको पेंट करने से पहले हम लोग सीसी करेंगे। फोटोशॉप में पेंट करके सीसी करते हैं पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सीसी पहले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ, आप ये यूज कर सकते हो सीसी के लिए।
तो या इसके मदद से आप सीसी कर सकते हो। सपोज मैंने इसको यहाँ पेंट करे, तो यहाँ हम लोग इसको यहाँ रख लेंगे इस एरिया पे, ओके, यहाँ से यहाँ पे रख लेंगे। अभी ये जो प्लेट दिख रहा है, ये मेरा 9 फ्रेम का सोर्स वो प्लेट है, और ये जो प्लेट दिख रहा है ये आपका जिस फ्रेम पे हम लोग करंट फ्रेम पे उसका सोर्स है। अभी सीसी करने के लिए हम लोग ग्रिड में आना पड़ेगा। ग्रिड में आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आप आराम से यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, ये सब ऑफ करते हैं, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हम लोग चैनल वाइज सीसी करेंगे, कैसे करना है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पे जो लॉक दिया, इस लॉक को ओपन कर लेना। अगर लॉक को ओपन नहीं करते हो तो ये तीनों एक साथ काम करेगा, हमको अलग अलग करना है। तो इसको लॉक को ओपन कर लेना सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करो रेड। ओके, रेड में आने के बाद ये आपका प्लेट 9 नंबर फ्रेम का, ये प्लेट आपका करंट फ्रेम का प्लेट है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके और स्क्रॉल जो होता है उसको अपर नीचे करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होता है, पर उसे बहुत कम कम होता है। तो आप इससे करो एडजस्ट, थोड़ा सा चेक करो एक बार। इससे पहले हम लोग मैच कर लेते हैं ऐसे करके। इतना करने के बाद अब हम लोग इसको कंट्रोल प्रेस करके कम बेसी करेंगे एक बार, या फिर वैल्यू डाल सकते हैं, खुद से डाल सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल मत प्रेस करना, ओनली स्क्रॉल को आप ऊपर नीचे तरफ करना, तो ये वैल्यू खुद चेंज होता है। ओके, तो ये मैं बस थोड़ा सा और मैच कर लेता हूँ इसको, तो मेरा रेड चैनल में ये मैच हो गया। अब हम लोग आएंगे ग्रीन चैनल में, यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे सेम कंट्रोल मत प्रेस करना, यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल को अप एंड नीचे डाउन करो, ये हो गया। अब हम लोग आएंगे ब्लू चैनल में, यहाँ भी थोड़ा इंक्रीज वैल्यू करो ऐसे, और यहाँ पे बस बस इतना होने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ क्लिक कर दो, ऊपर है ना वहाँ पे क्लिक कर दो, टॉप एरिया वाइट एरिया पे, तो ये आपका RGB होगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग, सो गाइस आप देख सकते हो सीसी थोड़ा सा हुआ है, पर थोड़ा रेडिश चाहिए मुझे, और मेरा जो शॉट है ये मूवी के अंदर से निकाला गया है, तो पिक्सल भी थोड़ा ब्रेक इसके अंदर है, तो थोड़ा सा शॉट इनपुट का प्रॉब्लम मेरा है, पर सीसी का तरीका यही है। तो अभी थोड़ा सा मैं रेडिस करता हूँ अपने सीसी को, तो मैं अभी RGB चैनल में सीसी तो करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडिस करता हूँ, थोड़ा सा रेडिस को इंक्रीज करता हूँ। हाँ, रेड को थोड़ा मैंने इंक्रीज कर लिया। ओके, मेरे को अब सीसी सही लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीसी को अब हम लोग पेंट करेंगे, और थोड़ा सा एजेस को ब्लेंड भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो शॉट है ना ये इनपुट जो इसका थोड़ा सा है वो पिक्सल ब्रेक थोड़ा सा है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग कर लेते हैं अच्छे से इसको। थोड़ा पिक्सल ब्रेक है इसके लिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा रिवील करेंगे साइड से, क्योंकि थोड़ा पिक्सल इसमें ब्रेक था शॉट पे, तो थोड़ा सा रिवील भी करेंगे साइड से। क्योंकि थोड़ा सा पिक्सल्स का देखो, आप देख सकते हो तो इनपुट थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवील जितना हो सके कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा डिटेल अच्छा मिल जाए। ज़्यादा मत रिवील करना, क्योंकि थोड़ा सा ये पिक्सल का प्रॉब्लम है, तो कोई इशू नहीं है, प्रोसेस यही है। आप कभी भी काम करते हो कहीं पर तो सीसी ऐसे ही करना है आपको, है देख लेना है अच्छे से मैच करना है आपको। मैं 4 से 5 फ्रेम दिखाता हूँ अच्छे से, ये सब थोड़ा सा रिवील कर दो, क्योंकि रिवील करने से थोड़ा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मत करना, ये सब थोड़ा रिवील कर लेता हूँ मैं। आपका आउटपुट देखने में लुक फील रियल लेना चाहिए, बस खत्म। आप थोड़ा सा ए भी खराब होता है तो प्रॉब्लम नहीं है कि 100% आपको ए भी देना, आउटपुट अच्छा रहे तो चल जाता है कभी काल, ठीक है। 100% ए भी हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम भी नहीं उतना, कभी काल वो मैनेज हो जाता है। कभी काल ट्राई करो कि जितना अच्छा लुक फील लगे, लगे देखने में, लुक फील ही मैटर मैटर करता है। ओके, थोड़ा सा मैं रिवील करता हूँ ये सब चीज़, जितना अच्छे से रिवील कर सकता हूँ।
ये अंदर का मत करो उतना, नहीं तो क्योंकि सब पिक्सल टूट टूट लगेगा। जितना आप जूम करके काम करते हो ना, उतना अच्छा क्वालिटी आपका इंक्रीज होता है। जूम करने से ना आप मतलब अच्छे से रिवील कर सकते हो, तो प्रॉपर अच्छे से आपका आउटपुट ना ए भी अच्छा आता है, तो जूम करके काम करके बहुत अच्छा रहता है। छोटा करो थोड़ा सा इसको, रिवील करो ऐसे। तो गाइस आप देख सकते हो, अभी आपको दिखाता हूँ, 1 2 देखो, सडनली देखो मतलब पहले लाइट सीसी था, सडनली नीचे आया तो ब्लैक सीसी हो गया, मतलब सीसी देखो आप ऑटोमेटिकली मैच हो गया है। अच्छे से कर दिया मैंने, ज़्यादा नहीं, मतलब ये जो यहाँ दिख रहा है ऐसा पिक्सल पिक्सल, ये सॉ इनपुट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं फेस करना होगा अगर आप काम करते हो कहीं पे, तो बस सीसी का प्रोसेस यही है। तो गाइस आपको ऐसे ही सीसी करना है, सीसी का जो प्रोसेस होता है ऐसे ही होता है। आपको कोई शॉट मिलता है तो आपको ऐसे ही सीसी करना है गाइस। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो, जब भी यूज करो लॉक ओपन कर लेना एक बार, तभी यूज करना। अभी आपको मैं एक फ्रेम और दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी हो। सेम थिंग मैं इस फ्रेम पे गाइस आया, अभी मैं 8वें फ्रेम पे हूँ, 7वें फ्रेम पे आ गया, लाइट फिर से इंक्रीज हो गया। तो गाइस एक कॉमन सेंस लगाना, ये लाइट आपका इंक्रीज हो गया, तो मैं लाइट जब मेरा इंक्रीज हो गया और ये प्लेट और ये 9वां प्लेट सेम है, तो मैं ये सोर्स क्यों लूँ, मतलब मैं 8 नंबर का सोर्स क्यों लूँ, जब मेरा यहाँ पर जो प्लेट 9 नंबर का प्लेट अच्छा है, सेम मतलब सेम मैच हो रहा है, तो मैं ये प्लेट नहीं लूँगा, मैं प्लेट लूँगा 9 नंबर का। 7 नंबर पे आके क्लोन में आके यहाँ पे आप 9 नंबर कर लो और इसको मैच कर लो, लिटिल बिट मैच करना है। थोड़ा रिसेट करते हैं इसको एक बार, हम लोग इसको मैच करते हैं एक बार, थोड़ा सा ई प्रेस करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर है, ई प्रेस करके थोड़ा सा मैं छोटा करते हैं इसको, डाउन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे करना है। मैं ऑप्शन यूज करता हूँ, शॉर्टकट की पता आपको ई बताया था, आपको ई से कर सकते हो आप, पिछला वीडियो देख लेना, बताया है पूरा अच्छे से, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मैं थोड़ा सा इसको यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। ई प्रेस कर भी कर सकते हो आप, ई प्रेस करोगे ना तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। सो गाइस मैंने मैच कर दिया, ठीक है। अब लोग सीसी करना है, पेंट करने से पहले सीसी करना है, पेंट मत करना पहले। तो सेम थिंग ग्रिड में आना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ऑप्शन ले लेना है, यहाँ पे रेड का में आना है और यहाँ पे इंक्रीज करना है सीसी को, फिर ग्रीन में आना है, ग्रीन को इंक्रीज करना है, फिर ब्लू में आना है और ब्लू में इंक्रीज करना है, फिर ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट सीसी मैच हो गया। नहीं मैच हुआ है तो आप थोड़ा सा थोड़ा रेडिश टाइप का दिख रहा है आपको, तो हम लोग आरजीबी में ही थोड़ा सा रेडिश कर लेंगे, रेडिश का टोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। हाँ बस ऐसा, अब हमको ऑलमोस्ट लग रहा है मैच हो गया है, तो हम लोग उसको पेंट कर देंगे। थोड़ा सा रिवील करेंगे, देखो यहाँ पे सीसी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा रिवील कर लेना है सबको। और आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत काम का चीज़ है, वन सेकेंड, ये रिवील करने तो पहले मुझे,
गाइस कभी कल क्या होता है ना, सीसी करने के बाद भी ना आपको उसी फ्रेम पे थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, सीसी करने के बाद भी ये पार्ट को ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, सीसी अच्छा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा मिसमैच लगेगा। ए भी कभी कल ऐसा होता है गाइस कि आपको सीसी करने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है उसी फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, तो गाइस ऐसा होता है। तो सीसी शॉट में क्या करना, आपको अच्छे से हर एक फ्रेम प्रॉपर करना। अभी हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ब्लेंड करने के बाद एक चीज़ और करना पड़ता है, बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। पहले इसको ब्लेंड कर लो अच्छे से, थोड़ा सा पहले रिवील कर लेना, जितना अच्छे से रिवील करना है कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे देखो ब्लेंड नहीं है प्रॉपरली, तो इसको अच्छे से ब्लेंड करो पहले एक बार, ऐसे ब्लेंड करना। कोई बात नहीं, ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैक फ्रेम है आप ले सकते हो, बाद में न्यूक पे हम लोग कट कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले अच्छे से उसको रिवील करके अच्छे से ब्लेंड कर दो जितना हो सके, ऐसे करके कर दो अच्छे से। गाइस इतना करने के बाद जब आप पूरा अच्छे से रिवील्स विवील्स जो भी करना कर लो, अभी क्या करना, आप देखोगे प्ले में तो अच्छा जा रहा है, पर कभी कल क्या होता है, शॉर्ट को चेक किया जाता है स्टेबलाइज मोड में, तब वहाँ करेक्शन दिखता है। तो क्या होता है गाइस, जब भी ऐसा ब्लेंड कर लो, अगर आपने इस फ्रेम पे रिवील्स किया तो ब्लेंड किया, तो इसको ना फिर बैक फ्रेम पेंट करना, थोड़ा सा बैक फ्रेम पेंट करना कि आपको जो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए इसके लिए। तो अभी हम लोग इसी फ्रेम को लेके, 7वें फ्रेम को लेके यहाँ पे हम लोग जो, तो गाइस हम लोग यहाँ पे 7 नंबर फ्रेम कर देंगे, 7 नंबर जहाँ की सोर्स है मेरा, इसको थोड़ा सा सीसी करके थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, जिससे हमारा प्ले में ना झटका नहीं दिखे, जंप नहीं दिखे, तो स्मूथली दिखे। तो हम लोग थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे इसको, सीसी थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा करना पड़ता है सीसी शॉट पे, आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये सब आपको समझ जब आएगा जब आप खुद पेंट सीख जाओगे करने के लिए, जो मेथड है यही मेथड है सीसी करने का, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ग्रीन पे आके थोड़ा सीसी करो इसको, ब्लू पे आके थोड़ा सीसी करो इसको, RGB ऑन, थोड़ा ज़्यादा पिंक हो गया तो इसको आप ठीक कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करो। ठीक है, अभी थोड़ा सा गाइस हम लोग ब्लेंड करेंगे इसको। सो गाइस इतना मैच होने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं, एक बार थोड़ा सा मुझे गामा इसमें इंक्रीज करना है, थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं गामा वैल्यू इंक्रीज करूँगा। ऐसे करके बस। सो गाइस इतना होने के बाद मैं फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इक्वल 107। तो गाइस आप देख सकते हो अभी आपका सीसी शॉट हो चुका है। कुछ भी लगता है करेक्शन आपको यहाँ पे, तो आप करेक्शन कर सकते हो। सीसी जो शॉट होता है ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ये ऊपर जो आ रहा है, जब इसको आप रेंडर मारोगे, रेंडर मार के न्यूक पे ले जाओगे, इसको रेंडर मार के ले जाओगे कंपाइल करके न्यूक के ऊपर, तो इसको आप रिवील कर लेना। सो गाइस देखो, मैंने 3 फ्रेम पेंट किया और आपको समझा दिया कि सीसी ऐसे करते हैं सिलोट के अंदर, यही तरीका है सिलोट करने का, और ऐसे ही तरीके से आप सीख सकते हो। सिलोट में पेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी पेंट नहीं होता है, थोड़ा सा इसका जो ब्रश स्ट्रोक है अलग होता है और थोड़ा टाइम लगता है पेंट सीखने में इसमें, तो ये अपने हिसाब से पेंट कर सकते हो, पर मेथड जो है यही यूज करते हैं हम लोग, आप भी मेथड यही यूज कर सकते हो। और धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो बना के दूंगा जो भी आपको वीडियो काम आएगा कभी भी। ओके गाइस, सो आज के लिए ऐसे इतना ही। सो ऐसे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू गाइस।